हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसका नाम है हेमामेलिस। उसका पूरा नाम है हेमामेलिस वर्जिनिका। इसको किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है इपिस्टेक्सिस, जिसको बोलते हैं नाक से खून गिरना। अगर किसी को नाक से खून गिर रहा है, एक बार गिरा और बंद हो गया, तब कोई चिंता की बात नहीं है। कभी कभी जो है ये गिरता है। अगर किसी को नाक से खून गिरने की टेंडेंसी बन गई है, तो इसके लिए आपको जो है हेमामेलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में देना है। और बच्चों में अगर निकलता है तो 5-5 बूंद देना है, जब तक नहीं ठीक हो जाए उसके बाद बंद कर दीजिए। दोस्तों, पाइस बहुत ही पाजी बीमारी है। इसका होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया इलाज है सिम्टम के अनुसार अगर आप दवाई करते हैं, क्योंकि पाइस अगर किसी को हो गया है तो आप भूल कर भी ऑपरेशन मत करवाइए, क्योंकि हमारे अनुभव में ये आया है कि पाइस, फिस्टुला, ये सब जो है ऑपरेशन कराने के बाद में भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। और जो पेशेंट अनभिज्ञ रहते हैं वो तो करा लेते हैं। तो पाइस का ये सिम्टम है ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। आपको इसमें ब्लीडिंग जो है मेन है, ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली ज़्यादा होगा, उसके बाद में दर्द होगा, रेक्टम में लगेगा कोई भार है, इसके अलावा रेक्टम में बर्निंग सेंसेशन रहेगी। तो ऐसे केस में आप जो है हेमामेलिस को मत भूलिए। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप आधा आधा घंटा पर 15-15 मिनट पर जैसा ब्लीडिंग का पोजीशन रहे आप देते रहिए, आपका ब्लीडिंग जो है तुरंत ठीक हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खून ज़्यादा गिरता है तो आप ये दवाई खाइए, आपका पाइस जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है फीमेल पर। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वाइकेरियस मिनिस्ट्रेशन, माने ब्लीडिंग जैसे पाइस में ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है, तो इसमें भी जो है ज़्यादा खून निकल रहा है। तो ज़्यादा खून निकलने के बाद में पेशेंट कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर किसी फीमेल पेशेंट को पीरियड में ज़्यादा खून आता है, आप उसको 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, आपका जो है पीरियड में जो ज़्यादा खून निकलता है वो आपका तुरंत ठीक हो जाएगा, आपको जो है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, अगर किसी को भेरिकोज़ वेन हो गया है और जो है उसमें गांठ पड़ गई है और सूज गया है और दर्द होता है, तो ऐसे पेशेंट को हेमामेलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, जब तक कि आपका भेरिकोज़ वेन ठीक नहीं हो जाएगा। 1 महीना मदर टिंचर लीजिए और 1 महीना जो है 30 पावर में लीजिए। तो आप डोज को चेंज करते रहेंगे, क्योंकि भेरिकोज़ वेन एक दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है आर्काइटिस की, जो है ये बहुत बढ़िया दवाई है। अगर आपका पूरा अंडरकोश सूज गया है, फूल गया है और दर्द हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आर्काइटिस का जो दर्द है रेक्टम तक पहुंच जाता है, इतना दर्द करता है, आप जो है मदर टिंचर 10-10 बूंद करके पानी के साथ में दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, इसके बाद में आपका जो है आर्काइटिस एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है और बहुत ही अजूबा सिम्टम है। इसमें होता है हेमरिंग हेडेक, जैसे आपके माथे में कोई हथौड़ा जैसा मार रहा है, अगर लगता है आपको बीच बीच में खट खट कोई माथा मार रहा है, ऐसे हेडेक में हेमामेलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन दे लीजिए, आपका इस तरह का हेडेक जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है इंजरी फ्रॉम फॉल्स, अगर कहीं गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो आर्निका इसकी बहुत बढ़िया दवाई है। तो मान लीजिए बाई चांस अगर आपके पास में आर्निका नहीं है तो हेमामेलिस है, तो आप हेमामेलिस 10-10 बूंद करके जैसा चोट रहे, दर्द रहे, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, आधा आधा घंटा पर रिपीट कर सकते हैं, 1-1 घंटा पर रिपीट कर सकते हैं। हेमामेलिस भी इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है अगर किसी को खुला घाव हो रहा है, घाव है पेनफुल है लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं है, अगर डिस्चार्ज अगर है तो आपको लेना है कैलेंडुला, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइए। और अगर घाव में खाली दर्द है खाली और उससे आपको कमजोरी आ जाती है, तो इस सिम्टम पर आप जो है हेमामेलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, आपका घाव आस्ते आस्ते सूख जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम
फीमेल पर है। अगर किसी फीमेल का मेंसेज माने पीरियड डार्क हो रहा है जबकि होना चाहिए लाल, अगर डार्क हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, ऐसे फीमेल पेशेंट बहन को हेमामेलिस मदर टिंचर हर महीना में पीरियड के टाइम में 10-10 बूंद करके 3 बार एक हफ्ता लीजिए जब तक पीरियड रहे। फिर उसके बाद में जब अगला पीरियड आएगा तो उस समय भी आप 10 बूंद करके दिन में 3 बार एक हफ्ता ले लीजिए, आपका पीरियड नॉर्मल हो जाएगा, आपका पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है, जैसे हम कल बताए थे ग्लूटामाइन में अगर प्रेगनेंसी में टिटनेस हो जाए तो आपको ग्लूटामाइन देना है, अगर जो है प्रेगनेंसी में वेरिकोज भी हो गया है तो उनको जो है 10-10 बूंद मदर टिंचर जो है दिन में 3 बार 15-20 दिन दे दीजिए, उनका वेरिकोज वेन जो प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम और फाइनल सिम्टम अंतिम सिम्टम यह है, यह जो है डिसेंट्री की बहुत अच्छी दवाई है। डिसेंट्री में स्टूल जो है काला होता है जिसको बोलते हैं मेलिना बोलते हैं, तो आप जो है हेमामेलिस मदर टिंचर लीजिए 10-10 बूंद करके 3 बार, आपका जो है खून का डिसेंट्री जो काला होता है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको हेमामेलिस के बारे में कुछ सिम्टम बताया, अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।